चलिए आज अभी हम देखते हैं कि एरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन प्रोसीजर फॉर एरिथमेटिक मीन। यहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देखने से पहले चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल और सिग्मा नोटेशन के वर्किंग रूल वाला वीडियो आपने पहले एक दो बार फिर से देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि उसको पहले एक बार देख लेना, ठीक है? और उसके बाद ये आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपने वो वीडियो नहीं भी देखा हो तो भी शायद यहाँ समझ तो आ जाए, लेकिन इस वीडियो का और आज के एक्सप्लेनेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना हो तो वो वीडियो लेक्चर एक बार देख लेना चाहिए। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन प्रोसीजर एरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना हो तो मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन है आपको बोला जाए कि फाइंड एवरेज या फाइंड एरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो डेटा होगा, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, वो तीन में से किसी एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को, जिसको मैं बोलता हूं टाइप ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा का यूज करके आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है वो ये तीन में से कोई एक पैटर्न का डेटा होगा। या तो वो रॉ डेटा होगा, या तो डिस्क्रीट होगा, या तो ग्रुप होगा। अब सर ये क्या है टाइप ऑफ डेटा, रॉ डिस्क्रीट? हमने तो टाइप ऑफ डेटा में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखा था। हाँ ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि रॉ डेटा, डिस्क्रीट या ग्रुप, इन्हीं तीन में से एक पैटर्न वाला क्वेश्चन होगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन लेके क्लैरिटी कर लेते हैं। रॉ डेटा बोलो या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बोलो, दोनों एक ही चीज है। आप उसको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा बोला जाए कि फाइंड एवरेज सेल्स ऑफ द वीक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और आपको मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सातों दिन के सेल्स का फिगर अवेलेबल है। कभी 500 का हुआ, कभी 700 का, कभी 800 का। तो इस तरीके से आपको 500, 700, 650, 340, 900, 1000, 1200, तो ऐसे सात इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है। और आपको पूछा जाए कि फाइंड एवरेज सेल्स ऑफ द वीक, तो ये सातों दिन के फिगर्स का टोटल करके आप डिवाइड बाय 7 करने वाले हो। इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? रॉ डेटा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, रॉ फॉर्म में डेटा है। ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, अरेंज नहीं किया हुआ है। मंडे से लेके संडे तक रॉ डेटा अवेलेबल है। चलिए दूसरी एक पैटर्न लेते हैं। रॉ डेटा मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। शायद इसके बजाय आपको सेल्स का डेटा कुछ अलग तरीके से देते हैं। मान के चलो कि आपका सेल्स जो है, ऑफ कोर्स मान के चलो ₹1000 में है, और ऐसा बोले कि 200 का सेल्स हुआ, 400 का हुआ, 600 का, 800 का और 1000 रुपीज का, मतलब और फिगर्स आर इन 1000, ऐसा मान के चलते हैं। तो 200 का सेल हुआ है, ऐसे नंबर ऑफ डेज है 7। 400 का सेल हुआ हो ऐसे 8। 600 का सेल हुआ हो ऐसा 10 डेज है। 800 का सेल हुआ हो ऐसे 6 डेज है, और 900 का सेल, सॉरी 1000 रुपीज का सेल हुआ हो
ऐसे 4 डेज है, और ऐसे आपको टोटल 30 डेज का इंफॉर्मेशन, मतलब पूरे 1 महीने का ब्यौरा आपके पास है कि सेल्स 200 का हो ऐसे 7 डेज है, तो ये आपका वेरिएबल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। 200 रिपीटेड 7 टाइम्स, 400 रिपीटेड 8 टाइम्स, 600 रिपीटेड 10 टाइम्स, 800 रिपीटेड 6 टाइम्स एंड 1000 रिपीटेड 4 टाइम्स। तो ये जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो वो रॉ डेटा नहीं है, अरेंज किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका वेरिएबल इंडिविजुअली प्रेजेंट किया है, ग्रुप में प्रेजेंट या क्लास में प्रेजेंट नहीं किया है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दे तो आप बोलोगे कि डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन रॉ डेटा का भी हो सकता है, डिस्क्रीट का भी हो सकता है, या ग्रुप का भी हो सकता है। सपोज आपको ऐसा बोले कि 200 टू 400 में 7 दिन है, 400 टू 600 में 8 फ्रीक्वेंसी, 600 टू 800, 800 टू 1000 एंड 1000 टू 1200, तो ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो शायद आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्वेश्चन का फॉर्म रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा के बजाय ऐसे ग्रुप डेटा भी हो सकता है, जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन 3 में से कोई एक पैटर्न का होगा, या तो रॉ डेटा का होगा, या तो डिस्क्रीट डेटा का होगा, या तो ग्रुप डेटा का होगा। आई होप यू आर वेरी क्लियर क्वेश्चन कौन सी पैटर्न का है वो समझने में। क्वेश्चन को देख के आप समझ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं रॉ डेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्क्रीट का सॉल्व कर रहा हूँ, या ग्रुप का सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन कंप्लीट एंड क्लियर मैनर। तो अभी आप हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसा है वो पता चल गया, अभी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक अवेलेबल है, या तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या तो हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। पूरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पर ऑलमोस्ट एरिथमेटिक मीन का 60% क्वेश्चन भी यहां पर मैं कवर कर लूंगा, पूरा डिस्कशन आप ध्यान से समझोगे तो। देखते हैं, सपोज हम मान के चलते हैं कि रॉ डेटा आपको दिया हुआ है, और अभी एग्जांपल में अलग ले रहा हूं। रॉ डेटा में आपको बोला जाता है कि 7 डेज का सेल्स अवेलेबल है। 7 डेज के सेल्स फिगर्स शायद चेंज हो जाएंगे, ठीक है, फिगर्स है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सभी डेज के। एक दिन 20 का सेल हुआ, ठीक है, एक दिन 40, फिर 60, 30, 80, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे में 100 और उसके बाद 120। तो ये आपको 7 डेज का सेल्स है, तो ये किस टाइप का डेटा हुआ? सर रॉ डेटा हुआ। रॉ डेटा में मुझे एरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज ये मेरा वेरिएबल है तो वेरिएबल को मैं एक्स, किसका एवरेज निकालना है, सेल्स का एवरेज निकालना है, जिसका एवरेज निकालना है वही मेरा वेरिएबल है। मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर सभी एक्स का टोटल कर दो। टोटल कितना हो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, 20 प्लस 40 60, 60 120, और ये 30 करेंगे तो 150, 150 प्लस 80 तो ये हो जाएगा 230, 330 एंड 330 प्लस 120 मतलब 450। चलिए 450 टोटल है, एवरेज करना है। आप बोलोगे सर 450 डिवाइड बाय 7, सिंपल सा रूल है भाई, एवरेज ये एक्स है तो उसका एवरेज हुआ एक्स बार,
और x बार का मतलब है सभी x वैल्यू का टोटल, जिसको मैं बोलता हूँ सिग्मा x। तो फॉर्मेट के हिसाब से ये सिग्मा x डिवाइड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 7 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, n इक्वल्स टू 7। तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा x अपॉन n। इसका कैलकुलेशन करें तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 450 डिवाइड बाय 7, तो ये कुछ हो रहा है 64.29 सेल्स इन रुपीज है, तो एवरेज सेल्स हुआ 64.29। ओके, तो रॉ डेटा में डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे तो सीधा एवरेज एक्स बार मिल जाएगा। तो ये काम तो बहुत ही इजीली हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा, अभी रॉ के बजाय आपको डिस्क्रीट डेटा देते हैं। अब मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डिस्क्रीट डेटा है तो उसमें एक्स और एफ दो होंगे। एक्स का मतलब सेल्स है और एफ का मतलब नंबर ऑफ डेज है। ओके, एक्स की वैल्यू सपोज, मैं जानबूझ के छोटी वैल्यू ले रहा हूं, कैलकुलेशन समझना जरूरी है और इजी वैल्यू से हम इजीली कर पाएंगे उसकी वजह से। एक्चुअली आपको बड़ी बड़ी वैल्यू से ही काम करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम समझते हैं तो वैल्यू छोटी रखते हैं। वैल्यूज आर लाइक दिस 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10 रुपीज का सेल हो ऐसा एक दिन है, चलिए चलते हैं 2 दिन है। 20 रुपीज का सेल हो ऐसे 5 दिन है। 30 रुपीज का सेल हो ऐसे 13 डेज है। 40 रुपीज का सेल हो ऐसे 6 डेज है। और 50 रुपीज का सेल हो ऐसे 4 डेज है। तो ये सेल मैं लिख भी दूं, सेल्स और ये नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। मेरा टारगेट वही है। एरिथमेटिक मीन का मतलब है क्या भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं वही काम करूंगा। अब देखते हैं कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ, आप बोलोगे 2 बार रिपीट हुआ। 20 कितनी बार रिपीट हुआ, आप बोलोगे 5 बार रिपीट हुआ। 30 कितनी बार, 13 टाइम्स रिपीट हुआ है। 40 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। 50 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, तो आप देखो कि मैं सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल करूंगा तो 10 दो बार है तो 10 10 लिखा हुआ होगा 2 बार, तो समझ के चलो कि वेरिएबल 10 का टोटल करेंगे तो 10+10 मतलब 20 हो जाएगा। फिर वेरिएबल की वैल्यू 20 है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 20 है, ऐसे 20 वाले 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 5 दिन में 20 का सेल हुआ है, तो 20 20 20 ऐसे मैं 5 बार उसका टोटल करूं तो ये टोटल होगा 100। फिर 30 30 30 13 टाइम्स है, तो 30 वाली वैल्यू 13 टाइम्स है तो मैं टोटल करूंगा सिर्फ 30 वाली वैल्यूज का तो वो टोटल होगा 390। 40 वैल्यूज का मैं सभी 40 जितनी बार है वो सभी का मैं टोटल करूंगा तो 40 × 6 मतलब ये हो जाएगा 240। और 50 50 चार बार है तो 50 वाली वैल्यू का जब मैं टोटल करूंगा तो ये होने वाला है 200। हाँ, लेकिन सभी वैल्यूज का टोटल कितना हुआ, मतलब 10 वाली 2 वैल्यू है, 20 वाली 5 वैल्यू है, 30 13 टाइम्स रिपीट हुआ है, 46 टाइम, ये सभी वैल्यूज का मैं टोटल करूं तो ये टोटल कितना हो रहा है, चलिए मैं चेक कर लेता हूं। टोटल कितना हो रहा है भाई, 20+100+390+240+200
ये टोटल हो रहा है 950। ये 950 क्या है? सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, न्यूमरेटर पार्ट हो गया 950। डिवाइड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्व, कितने ऑब्जर्वेशंस है। तो मैं बोलूं कि 10 वाले दो ऑब्जर्वेशन है, 20 वाले पांच ऑब्जर्वेशन है, तो 10 और 20 मिला के 7 ऑब्जर्वेशन हुए। 30 वाले 13 ऑब्जर्वेशन है, तो 10, 20 और 30 को देखो तो टोटल 20 ऑब्जर्वेशन हुए। 40 वाले 6 ऑब्जर्वेशन है और 50 वाले 4। सभी ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो टोटल आप बोलो कि 30 ऑब्जर्वेशन से, या फिर ये डेटा 30 डेटा हो गए। 10 दो बार होगा रॉ डेटा में, फिर 25 बार होगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो 30 हुए, मतलब पूरे महीने का डिटेल्स है। तो मुझे डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा, तो 950 डिवाइड बाय 30 करेंगे, वैल्यू आएगा 31.666, इसको मैं 67 सपोज बोल दूं। चलो, तो मैंने काम क्या किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअली ये सभी ऑब्जर्वेशन जो 950 है वो हुआ कैसे, मैंने ये पहले x और f को मल्टीप्लाई किया था, मतलब मैं इसको f इंटू x बोल देता हूं। तो एक्चुअली ये जो टोटल हुआ है वो है सिग्मा f ऑफ x, सिग्मा f x, fx का टोटल है। fx मतलब x और f को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी मल्टीप्लाइड वैल्यू का टोटल, मतलब सिग्मा fx है। और ये जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड वो एक्चुअली सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो अभी मेरा फॉर्मूला x बार का हो गया सिग्मा x के बजाय सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। कोई लोग ये n को कैपिटल n भी लिख देते हैं, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी आ गई तो कैपिटल n कर दो, लेकिन हम n लेके चलते हैं। x बार इज सिग्मा एफ एक्स, एक्चुअली फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हुआ है लेकिन लॉजिकली वही है। सिग्मा एक्स बोलो या सिग्मा एफ एक्स बोलो, वो होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड एन का मतलब होता है सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल। आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनने वाला है। तो एक्स बार का मतलब होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और एन का मतलब होगा सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो रॉ के बजाय डिस्क्रीट डेटा है तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हुआ, पहले सिग्मा एक्स अपॉन एन बोलते थे, अभी हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बोलेंगे, लेकिन लॉजिक जो है, फॉर डेफिनेशन जो है वो तो वही रहती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एफ आने से, एफ सिग्मा एक्स के बजाय सिग्मा एफ एक्स करने से ये डेफिनेशन जो है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैलिड बनाने के लिए हमने ये काम किया हुआ है। अब ऐसा समझो कि हमारे पास ग्रुप डेटा है तो क्या होगा, देखते हैं ग्रुप डेटा में, इसी को ले लेते हैं। चलिए, सेल्स का फिगर इंडिविजुअली के बजाय आपको ग्रुप में दिया हुआ है, तो 0 से 10 का सेल हो ऐसे 2 दिन है, 10 to 20 का सेल हो ऐसे 5 दिन है, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये है हमारे पास। अभी करना क्या है, तो आपको मालूम है कि ये x की जो वैल्यू थी उसको मैं f से मल्टीप्लाई कर दूं तो सभी ऑब्जर्वेशन का मैं टोटल निकालूंगा, लेकिन यहां पर वेरिएबल की कोई एक वैल्यू नहीं है, यहां वेरिएबल ग्रुप में दिया हुआ है, रेंज दी है कि 0 से 10 वेरिएबल की रेंज है तो ऐसे 2 दिन है, 10 से 20 रेंज है तो ऐसे 5 दिन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि
यहां वेरिएबल इंडिविजुअली के बजाय ग्रुप में प्रेजेंट किया हुआ है। अब पूरे ग्रुप के साथ तो मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब मैं करूं क्या? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मीड वैल्यू, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला एक वैल्यू जो है वो है मीड वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर क्लास इज मीड वैल्यू। तो पूरे ग्रुप के साथ तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मैं मान के चलूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ही पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और मीड वैल्यू ही मेरा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो ऐसे केस में आपको एक मीड वैल्यू का एडिशनल कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा एक्स। तो 0 टू 10 का मीड वैल्यू है 5, 10 टू 20 का मीड वैल्यू है 15, 20 टू 30 का मीड वैल्यू है 25, 30 टू 40 का 35, 40 टू 50 का 45। तो पूरे क्लास को मल्टीप्लाई करने के बजाय क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले एक वैल्यू, जिसको मैं बोलता हूं मीड वैल्यू, से आप काम करो। अब क्या करेंगे? अब तो वो डिस्क्रीट ही हो गया, अभी इसको देखो ही मत, इसी को देखो। तो x एंड f, तो क्या किया था डिस्क्रीट में, f इंटू x, और काम हो गया। मैं इसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको यही प्रोसीजर एडॉप्ट करना है। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, ये सभी एफ एक्स का टोटल जो है उसको मैं सिग्मा एफ एक्स बोलूंगा और इसको n बोल दूंगा। तो ग्रुप डेटा में फॉर्मूला क्या होगी, आप बोलोगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, लेकिन यहां पर एक्स का मतलब मैं कर रहा हूं मीड वैल्यू, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी का प्रोसीजर जो डिस्क्रीट में है वही प्रोसीजर मैं ग्रुप में एडॉप्ट कर रहा हूं, और एक्स मतलब मीड वैल्यू में ले लूंगा। तो रॉ डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो, डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स बार की वैल्यू, मतलब एरिथमेटिक मीन की वैल्यू, वो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली और फॉर्मूला के हिसाब से समझा दिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी शॉर्टकट मेथड का डिस्कशन बाकी है। तो ऐसा लगे तो आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको ऐसा लगे, मैं तो पढ़ाता रहूँगा, लेकिन आपको ऐसा लगे तो थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा पॉज ले लो, और उसके बाद आप फिर से वो वीडियो को ध्यान से देखो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूटी में ही वीडियो देखना है, आप रेस्ट ले लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो आदत हो चुकी है, मैं लंबे लंबे लेक्चर्स ले सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा रेस्ट लेके बाद में आगे का वीडियो देखिएगा, लेकिन ये वीडियो डैम श्योर लंबा होने वाला है। चलिए, तो अब ये जो हमने पढ़ा वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हर एक पोर्शन को मैंने देख लिया, अब मैं बताऊंगा कि ये शॉर्टकट मेथड क्या है और किस तरीके से हम उसका यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन में, देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में भी रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा या ग्रुप डेटा जो है उस हिसाब से फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेके बात करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है रॉ डेटा का, एक्स का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25। एक काम करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। एक्स की वैल्यू रॉ डेटा में 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 ये वैल्यूज हैं। अभी डायरेक्ट मेथड तो आपको मालूम है क्या करना है, सभी एक्स का टोटल कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं डायरेक्ट में क्या वैल्यू आ रहा है, सभी का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना हो रहा है, 2 + 4 = 6, 6 = 12, 8, ये हो गया 20, 30 एंड ये हुआ 42।
कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो x बार का मतलब 42 डिवाइड बाय 7, सॉरी 6, तो ये आंसर आ रहा है 7। तो ये तो हमको मालूम था, ये डायरेक्ट मेथड से हमने काम किया था। अब सपोज मैं शॉर्टकट मेथड से काम करूं तो क्या चेंज करेंगे, ये जो वेरिएबल x है उसको मैं दूसरे एक वेरिएबल d में कन्वर्ट करता हूं, और जब मैं d में कन्वर्ट करता हूं तो x में से मान के चलो मैं 6 माइनस करता हूं, तो x का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4, 4 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0, 8 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, एंड 12 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, मुझे इतना सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, टोटल 6 हो रहा है। अब x को मैंने कन्वर्ट कर दिया d में, x की वैल्यू मैंने d में कन्वर्ट कर दी, तो नया वेरिएबल मेरा d है, और ये जो मैंने 6 माइनस किया ठीक है यहां से, तो उसको मैं एज्यूम्ड वैल्यू a मान के चलता हूं, ठीक है। अब x बार के बजाय सपोज मैं d का ही टोटल करूं तो वो 6 है, तो 6 सिग्मा d अपॉन n करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, मतलब ये होने वाला है 1। तो मेरा ओरिजिनली मीन वैल्यू था 7, और नए वेरिएबल d का मीन, मतलब x बार के बजाय मैं इसको बोलूं d बार हो रहा है 1। कितना कम हुआ, आप बोलोगे पहले 7 था अब 1 हो गया है, मतलब 6 रिड्यूस हुआ। क्यों 6 रिड्यूस हुआ, सिंपल सा लॉजिक है सर, आपने हर ऑब्जर्वेशन में से 6 माइनस कर दिया तो एवरेज भी 6 कम ही हो जाएगा ना आपका, बराबर है। सपोज स्टूडेंट्स के मार्क्स में से सभी स्टूडेंट्स का मैंने एवरेज निकाला, सभी को 10-10 मार्क कम कर दिए तो पूरे क्लास का एवरेज 10 कम हो जाएगा। बैट्समैन के स्कोर का मैं एवरेज लिख रहा हूं और हर स्कोर में से मैंने 15 स्कोर माइनस कर दिए तो एवरेज से 15 वैल्यू कम हो जाएगी, नई एवरेज जो मिलेगी वो 15 कम ही होगी। तो जो चेंज मैं करूंगा यहां पर उतना चेंज आंसर में आएगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल आंसर चाहिए, ओरिजिनल आंसर क्या था 7 था, तो मैंने जो माइनस किया था वो फाइनल आंसर में ऐड कर दूं तो ठीक है, तो मैं ओरिजिनल लेवल पे चला जाऊंगा। तो x बार चाहिए मुझे, d बार नहीं चाहिए, तो x बार का मतलब होगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n, a किसको बनाया है 6 को, तो 6 प्लस 6 बाय 6 दैट मींस 6 बाय 6 इज 1, 6 प्लस 1 इज 7। तो मेरा फॉर्मूला जो है x बार का वो हो जाएगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n, लेकिन d का मतलब क्या है, आप बोलोगे d इक्वल्स टू x माइनस, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से a माइनस किया है तो x बार निकालने के लिए फाइनल आंसर में लास्ट में a प्लस कर दो, सिंपल सा वही काम किया है। x बार निकलता था सिग्मा x अपॉन n डायरेक्टली मिल गया, अभी सभी ऑब्जर्वेशन में से मैंने 6 माइनस कर दिए हैं तो मेरा आंसर भी 6 कम हो जाएगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल आंसर चाहिए तो मैं 6 को लास्ट में एड बैक कर रहा हूं, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस सिग्मा d अपॉन n। पहले सिग्मा d अपॉन n का आंसर जिसको मैं d बार बोलता था, मुझे d बार नहीं चाहिए मुझे x बार चाहिए, तो मैं a ऐड कर दूं। तो इतना सिंपल सा लॉजिक मैंने अप्लाई किया कि हर बार जो वैल्यू मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस की थी तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए वही एक वैल्यू लास्ट में प्लस कर दी। ओके, चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। सपोज मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, d इक्वल्स टू x माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं। देखो ये सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पे है,
तो मैं इसको फिगर को ज़्यादा रिड्यूस कर रहा हूँ, और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए मैंने उसको डिवाइड किया। पहले छोटी करने के लिए मैंने माइनस किया था, और ज़्यादा छोटी करने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन ये फैसिलिटी तभी मैं यूज़ करूँगा जब ये डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब ऑब्जर्वेशंस आर एट इक्वल डिस्टेंस, तब मैं ये फैसिलिटी यूज़ करूँगा। बाई चांस यहाँ पर ऐसा है तो क्या होगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस 2 होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 ये माइनस 1 होगा, 6 माइनस 6 0 डिवाइड बाई 2 0 होगा, 8 माइनस 6 2 डिवाइड बाई 2 1 होगा, 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 2 2 होगा, 12 माइनस 6 6 डिवाइड बाई 2 3 होगा। वैसे भी इक्वल डिस्टेंस है तो a के अगेंस्ट 0, लोअर साइड पे माइनस 1 माइनस 2, अपर साइड पे 1 2 3 ऐसा डायरेक्टली भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही होने वाला है। कब, जब आपने माइनस के साथ साथ डिवाइड भी किया हो तब, हमेशा नहीं, और ये इक्वल डिस्टेंस पे हो तो। अब मैं इसका टोटल करूँ तो टोटल कितना होगा, आपको मालूम है माइनस प्लस कैंसिल हो जाने के बाद ये 3 होगा। अब यहां पर मैं सिग्मा डी अपॉन एन और ए ऐड करूं, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ए का वैल्यू तो 6 बराबर है, सिग्मा डी 3 है, एन का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे एन का वैल्यू है 6, तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने सिर्फ माइनस नहीं किया है डिवाइड भी किया है। तो ऐसे केस में जो डिवाइड किया है उसकी भी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी, हर ऑब्जर्वेशन मैंने हाफ कर दिया है तो फाइनल आंसर जो है उसको मुझे डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया है तो यहां मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक्स बार का फॉर्मूला थोड़ा मैंने चेंज किया, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू सी, और आपको मालूम है बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब ये हो जाएगा 3 × 6 अपॉन 6 1, और अब ये आंसर 7 मैच होगा। तो मेरी फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड में दो पैटर्न से हो रही है, एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, या तो एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू सी। लेकिन सी फैक्टर कब आएगा मल्टीप्लीकेशन में, जब वो ओरिजिनली डी निकालते वक्त मैंने सी से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैंने जो माइनस किया है उसको प्लस कर दिया, जो डिवाइड किया है उसको मल्टीप्लाई, रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ती है, रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आंसर मेंटेन करना चाहता हूं, एवरेज वैल्यू सेम मेयर मुझे रखनी है। तो ऑब्जर्वेशन में जो भी चेंजेस किए वो सभी चेंजेस का मुझे रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। यदि मैं रिवर्स इफेक्ट ना दूं तो मेरा एवरेज उतनी वैल्यू तक डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब मैंने 6 को रिवर्स नहीं किया तो मेरी एवरेज वैल्यू 6 कम आएगी, डिवाइड वाले 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया तो मेरी एवरेज वैल्यू उतनी हाफ हो जाएगी, डबल करनी पड़ेगी मुझे। तो जो ये मैंने चेंजेस किए हैं आपको मैं बता दूं, वो चेंजेस को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जब मैंने ऑब्जर्वेशन में किसी एक कॉन्स्टेंट नंबर को ये माइनस किया है, ए माइनस किया है, या प्लस भी करूं सपोज, तो प्लस और माइनस को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो सी फैक्टर है जो डिवाइड किया है, कभी मल्टीप्लाई भी करूं तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल, दोनों टाइप के चेंजेस का इफेक्ट एवरेज पे होगा। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिए, क्या मैं लिख रहा हूं, आपने जो भी चेंजेस ऑब्जर्वेशन में किए उसका रिवर्स इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि जितने चेंजेस आपने किए थे उसका इंपैक्ट एवरेज पे आ रहा था।
एवरेज उतना अफेक्ट हो रहा था, और वो इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमने रिवर्स इफेक्ट दे दिया, और इसका मतलब जो डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो माइनस किया था उसको प्लस कर दिया। तो यहाँ पर आप एरिथमेटिक मीन की एक मेजर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, मैं वो प्रॉपर्टी अभी लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ वो भी ध्यान से देख लो। मैं लिख रहा हूं कि एरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब एरिथमेटिक मीन ओरिजिन का चेंज करो या स्केल का चेंज करो या दोनों का चेंज करो तो उससे एरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अफेक्ट नहीं होता तो हम रिवर्स इफेक्ट क्यों देते? ओरिजिनल आंसर चेंज हो जाता था तो वो अफेक्ट या वो इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ही हमने रिवर्स इफेक्ट दिया है फाइनल आंसर में। तो रिवर्स इफेक्ट दे रहे हैं वही इंडिकेट करता है कि arithmetic mean is affected by change of origin and scale। अच्छा, उसको मैं वही चीज को अलग लैंग्वेज में लिखूं तो वही चीज arithmetic mean is इफेक्ट हो रही है, ठीक है, इसका यह मतलब हो रहा है कि is not free from the effect, affect हो रहा है मतलब not free from the effect of change of origin and scale। तो arithmetic mean is affected by change of origin and scale, that means arithmetic mean is not free from the effect of, ultimately affected by जो है उसको मैंने अलग वर्ड में लिखा है, affected by change of origin and scale means not free from the effect of change of origin and scale। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब वीडियो में ये फ्रेम में आ रहा है कि इससे आगे मतलब मुझे लगता है नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं थोड़ा यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, उसी पॉइंट को। arithmetic mean is not free from the effect of change of origin and scale, free नहीं है। इसका मतलब हुआ कि independent नहीं है, free नहीं है मतलब independent नहीं है। तो अब मैं उसी चीज को arithmetic mean is not free from the effect of change of origin and scale ऐसा लिखूंगा कि arithmetic mean is not independent of change of origin and scale। देखो वही चीज मैं लिख रहा हूं जो पहले लिखा, वही दूसरा स्टेटमेंट है और वही तीसरा स्टेटमेंट है, सिर्फ मैंने थोड़ा वर्ड्स चेंज कर दिए हैं। arithmetic mean is affected by change of origin and scale वो मैंने प्रूव कर दिया पहले ही क्वेश्चन लेके। इसका ये मतलब हुआ कि as it is affected by change of origin and scale means it is not free from the effect of change of origin and scale, and as it is not free from the effect you can say it is not independent of change of origin and scale। origin and scale से वो independent नहीं है, ठीक है, उस origin और scale के changes का उस पर effect हो रहा है, free नहीं है। और ये नॉट इंडिपेंडेंट को मैं रिप्लेस करूं एक अलग वर्ड से तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि arithmetic mean is dependent on change of origin and scale। तो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मीन्स डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
तो अल्टीमेटली ये लैंग्वेज आपको टेक्स्ट बुक में, स्टडी मटेरियल में, रेफरेंस बुक में ये लिखा हुआ है कि एरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. इट मीन्स एरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ, ये इसका मेजर प्रॉपर्टी है. कि आपको प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. लेकिन वो प्रॉपर्टी का पूरा डिस्कशन ये है कि अफेक्टेड जो हो रहा है, इसका मतलब नॉट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट, इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट. और ये सिर्फ एरिथमेटिक मीन के लिए नहीं, आप सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी मेजर्स पढ़ेंगे वो सभी के लिए ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. नॉट ओनली एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, सभी के लिए है. लेकिन मैंने ये पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अलग अलग मेजर जब पढ़ेंगे उस वक्त भी ये हम देख लेंगे. तो ये एक पॉइंट आपको मुझे समझाना था, और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल पर क्या एरिथमेटिक मीन डिपेंडेंट है. अच्छा, रॉ डेटा तो हो गया सर, डिस्क्रीट डेटा हो तो ठीक है, डिस्क्रीट डेटा हो तो वही टेक्निक अप्लाई करनी है. एक्स बार का मतलब है ए प्लस, जैसे यहां सिग्मा एक्स का सिग्मा एफ एक्स हो गया, तो सिग्मा डी का हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन. तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, जब d का मतलब x माइनस ए अपॉन सी होगा. मतलब c से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, डिस्क्रीट में भी वही पैटर्न यूज करनी है. ठीक है, x माइनस ए, जहां सिग्मा x था वो सिग्मा एफ एक्स हो गया, तो जहां सिग्मा d है वहां सिग्मा एफ डी हो जाएगा, क्योंकि x को ही मैंने d में कन्वर्ट कर दिया है. और सर ग्रुप डेटा हो तो, चलिए ग्रुप डेटा हो तो फॉर्मूला में तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देख लिया डिस्क्रीट में जो फॉर्मूला है वही ग्रुप की फॉर्मूला है. ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होता है, एक्स का मतलब होता है मीड वैल्यू. तो ये भी मैं लिख दूं यहां पर कि शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन प्रोवाइडेड डी इज एक्स माइनस ए. और कभी आपने सी फैक्टर यूज किया है तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी. तो ये हमारा पूरा कैलचार्ट हो गया. ठीक है, बहुत काम की चीज है ये. चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टी भी हमने देख ली. ठीक है, पूरा फॉर्मूला कैलकुलेशन प्रोसीजर भी देख लिया, कॉन्सेप्ट का पूरा डिस्कशन हो गया. शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है, आप शॉर्टकट मेथड बोलो या आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलो, तो एक ही चीज है. मतलब x पर से जब आप d ले रहे हो तो स्टेप x माइनस ए किया, तो इसको d को स्टेप डेविएशन बोलते हैं. तो स्टेप डेविएशन मेथड भी इसको बोलते हैं, या आप उसको चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल मेथड भी बोल सकते हैं. यही अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको शॉर्टकट मेथड ऐसा बोलेंगे. तो ये पूरा कैलकुलेशन प्रोसीजर हमने समझ लिया है. बेस्ड ऑन दिस हम रियल एग्जाम्पल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अपना सेशन ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच.